जो हमने आपसे बात किया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का किसी मानवीय आंखों का कोई गवाह नहीं किसी मनुष्य ने उसके पुनरुत्थान को देखा या उसका गवाह नहीं है इन रिगार्ड टू दिस आई वुड लाइक टू मैं टू थिंग्स। इसके ही संदर्भ में मैं दो बातों को बताना चाहूंगा नंबर वन थिंग इज दिस पहली बात ये है इट इज नो पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ रिडमशन टू कंपेल बिलीफ और याद रखिए कि छुटकारे की योजना का यह भाग नहीं टू कंपेल बिलीव कि वो विश्वास के लिए किसी को मजबूर करें इट इज नॉट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड द क्रिएटर दिस हैबिट ऑफ यूजिंग फोर्स टू मेक यू बिलीव की परमेश्वर सृष्टिकर्ता के अंदर ये आदत ही नहीं कि वो आपको मजबूर करे आप पर दबाव बनाए कि आप उस पर विश्वास करेंट टू आई दिमा इसलिए हमारे पास ना ही उससे कुछ पाने की उपेक्षा और ना ही उससे मांगने की कुछ उपेक्षा होनी चाहिए वारंट बिलीव और इसलिए हम उससे ये नहीं कह सकते या ये नहीं मांग सकते कि वो हमें और सबूत दे कि हम और ज्यादा विश्वास करें एंड इट इज अ ऑफ दस ऑफ गॉड और ये तो परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य का एक प्रकाशन है मोर स्पेसिफिकली इज अ ग्रेटनेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की महानता है गॉड द ह्यूमन विल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और परमेश्वर ने मनुष्य की इच्छा या उसके चुनाव के ऊपर यह सौंप दिया कि वो अपने चुनावों को करे इन चूजिंग टू बिलीव और डाउट कि वो ये चुन सकता है कि वो विश्वास करे या संदेह करे टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट कि या वो ग्रहण करे या उसका विरोध करे whether it is pilot whose duty called for a decision चाहे वो पिलातुस हो जिसका जिम्मेदारी जिसका कार्य इस बात को मांग करता था अ डिसीजन कंसर्निंग जीसस कि वो एक न्याय करे एक एक निश्चय एक चुनाव करे एक ऐसा चुनाव जो यीशु के प्रति था और या अ ब्लाइंड बेगर who must respond to the invitation of jesus एक अंधा भिकारी जिसे प्रभु यीशु मसीह के निमते के प्रति अपना उत्तर देना था whether it was a noble man nicodemus or an outcast samaritan woman चाहे वो एक राजकीय पुरुष जैसे निकोदेमस या एक बाहरी गैर गोत्र गैर यहूदी स्त्री या समारी स्त्री whether peter or चाहे वो पत्रस हो या यहूदा स्क्रियो ऑल मस्ट एक्सरसाइज देयर विल सबको ये जरूरी है कि वो अपनी इच्छा शक्ति को अपने चुनाव को दिखाएं एंड इट इज विथ दिस वंडरफुल क्वालिटी दैट गॉड क्रिएटेड Human being. और इसी अद्भुत इच्छा के साथ और इस गुण के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया बनायाल मैन फेथ और ये सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर ने कभी भी दबाव बनाना या दबाव बनाने की कोशिश नहीं करी मनुष्य के ऊपर

Of all his claims. और वो इस बात का दबाव उनके ऊपर बना देता कि हर एक तरीका हर एक बात जिसका प्रचार प्रभु यीशु ने मसीह ने किया उस पर उन्हें विश्वास करना है But the reasons very sacred that this awful scene should take place, not in the presence of a clamorous crowd. लेकिन वो कारण कि क्यों ये पुनरुत्थान एक भीड़ के सामने नहीं हुआ एक महान घटना के रूप में बट इन ऑफ दैट साइलेंट डॉन लेकिन दूसरे हाथ पर यह पुनरुत्थान तो उस अंधेरे या उस भोर को हुआ जब कोई भी वहां मौजूद नहीं था पर sang। और हो सकता है स्वर्गदूतों ने गीत गाए जब वो इस बात को देखते थे व्हाट मस्ट हैव बीन द सॉन्ग और उनका गीत क्या हो सकता है साइलेंट डॉ होली डॉ ऑल वाज काम एंड ऑल वाज स्टिल और हो सकता है उन स्वर्गदूतों का गीत इस प्रकार हो कि वो शांत भोर सुबह प्रातः का समय वो शांत प्रातः का समय जब हर एक बात थम गई और हर एक बात शांत है द रोमन वॉच फेल लाइक डेट मैन और वो रोमियो की घड़ी गिर गई मृत मनुष्य के समान द सन वॉस राइसिंग विथ इट्स रेस ऑन ईस्टर्न हो राइस और सूर्य निकल रहा था अपनी किरणों के साथ वाइल दाइट रोज फ्राम द ग्रे जबकि धार्मिकता का पुत्र अपनी खबर से उठ खड़ा अपने किसी भी मनुष्य ने उसे देखा नहीं नो वन हैजनेस दैट इवेंट और किसी भी मनुष्य ने उसके पुनरुत्थान को देखा नहीं unanswerable evidences लेकिन वो सबूत जिनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता आर अनमिस्टेकेबल, वो उनके प्रति कोई गलती नहीं ओपन ग्रेव, और वो खुली हुई कब्र रोल्ड अवे स्टोन और वो हटाया गया पत्थर सिटिंग ऑन इट और वो स्वर्गदूत जो उसी पत्थर के ऊपर बैठा कस्टमनी ऑफ द टू एंजल्स और वो गवाही उन दो स्त्रियों की वाई डू यू सीख the living among the dead जब वो स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि क्यों तुम जीवते को मृत के बीच में खोजते हो ही इज नॉट हियर वो तो यहां पर नहीं है ही इज अलाइव वो तो जीवित है एंड व्हेन दे लुक्ड इनसाइड द ग्रेव और जब वे कब्र के अंदर देखते हैं व्हाट डिड दे सी वो क्या देखते हैं द लिनन इन द ग्रेव नाइसली फोल्डेड वो देखते हैं किस प्रकार से उसके वस्त्र अच्छी रीति से वो तह कर कर वहां रखे हुए एंड हाउ अबाउट द रोमन सोल्जर्स और उन रोमियो सैनिकों के बारे में क्या कहें दे हैड द अनआंसरेबल एविडेंस उनके पास तो एक ऐसा सबूत था जिसके प्रति उनके पास कोई उत्तर ही the नहीं द ग्रेव वाज ओपन और वो कब्र खोल दी गई थी On the ground of these evidences, और इन सबूतों के को रनर रखते हुए विश्वास नहीं कर सकता तो उनके ऊपर क्यों दबाव बनाया जाए अनबल एविडेंस और ये तो ऐसे सबूत हैं जिनके ऊपर कोई संदेश नहीं कर सकता जिनके ऊपर कोई बहस नहीं still कर सकता. if somebody

The mighty salvation brought to mankind by. The Lord Jesus ये तो प्रभु मसीह की अन्यायों की जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की घोषणा जो उन्हें प्राप्त हुआ है अपने जीवन से करते चले जाएं इस संसार के बीच and में। ट्रूथ so तब जब हम इस उद्धार की घोषणा को करते हैं तब हम एकमात्र सत्य का प्रचार करते हैं।

The life changing, transforming power of this gospel that Jesus came, died for our sin, rose again on the third day, and is alive today to be your Savior. कि ये वो सत्य है कि वो प्रभु यीशु मसीह आया और उसे उस क्रूस पर चढ़ाया गया वो मरा तीसरे दिन झिला और दोबारा आने वाला है जिसके द्वारा हमने अपने उद्धार को पाया to और वो truth. जो चुनते हैं कि सत्य पर विश्वास करेंट दिस और इस परमेश्वर को पुकारे विल बी सेफ वो बचा लिए जाएंगे माई फ्रेंड मेरे मित्रों

अगर आप उसको अपने जीवन में न्योता देंगे कि वो आपका प्रभु के रूप में आए देर इज नो फोर्स कोई दबाव नहीं है यू विल नॉट फोर्स एनी और किसी के ऊपर वो दबाव बनाएगा भी नहीं विल नॉट फोर्स इज विल ऑन एनी वो अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोपेगा नहीं ट्रूथ लेकिन वो तो सत्य बताएगा the gospel is the truth. और वो सुसमाचार ही सत्य है and there is no compromise। और उसके संग कोई you and me। ये तो आपके और मेरे लिए to है choose to believe। और हम चुने और विश्वास करें Or reject। या उसके तिरस्कार करें विल यू डू आप क्या करेंगे आई प्रे दैट यू विल नॉट रिजेक्ट और मेरी प्रार्थना ये है कि आप इसका तिरस्कार Because ना your eternity, ना करें। eternity depend on what you चूज क्योंकि आपका अनंत truth, इस पर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं इस सत्य के प्रति। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह। वी थैंक यू दैट यू आर द ट्रूथ यू आर द वे एंड यू आर द लाइफ हम धन्यवाद करते हैं कि सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं पिता वी नो दैट यू Have come from heaven. और हम जानते हैं कि आप ही स्वर्ग से आएंगे छुटकारे के को समाप्त करने के बाद वापस स्वर्ग चलेगा टूडे यू हैवर अपने दिन आपके पास थ, आपके सुसमाचार प्रचारक हैं, प्रेरित हैं, शिक्षक हैं, अगुवे हैं Proclaiming to the world and proclaiming to everyone, all tribes and kindreds and languages, that this salvation is available for anyone who chooses to believe. जो इस बात की घोषणा हर गोत्र, हर पीढ़ी, हर जाति में करते हैं कि आपका उद्धार उपलब्ध है हर एक के लिए जो आप पर विश्वास करता है। Let there be many who will believe in response to this.